जबलपुर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चिंतामणि हनुमान समिति परिवार के द्वारा एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने भजन सम्राट अनूप जलोटा जबलपुर पहुंचे। जहां पर अनूप जलोटा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान चिंतामणि हनुमान समिति परिवार के द्वारा स्थापित की गई कालस चोन के हनुमान की तारीफ करते हुए कहा कि यह हनुमान की अद्भुत प्रतिमा है। इसके साथ ही देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी और अयोध्या में हुई भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए अपने अंदाज में कहा कि काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब वंशी बजने वाली है। इधर पत्रकार वार्ता में अनूप जलोटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को अवतार पुरस्कार। अनूप जलोटा ने कहा कि आज हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कारण देश एक ऐसे शिखर पर है जहां पर व्यक्ति अपने आप को सनातनी महसूस कर गर्व महसूस कर रहा है, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की विशेषता के कारण है, और यह कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है, यह अवतार पुरुष है, इन्हें धरती पर भेजा गया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में लोगों से बढ़ चढ़ कर अपना मतदान करने की भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपील करी है। देखिए, इस वर्ष में जितने भी पर्व हैं सब खास हैं, क्योंकि इस वर्ष में प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला के मंदिर की। रामलला के भवन जो 500 साल से एक टाट में रहे, एक तंबू में रह रहे थे, टेंट में, तो अब वो टाट से अपने ठाट पे आ गए। मैं भी वहाँ था, मैंने भी बड़ा आनंद लिया। प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, सबके आंखों में आंसू थे। तो हमारा देश आज सनातन धर्म के एक ऐसे शिखर पर है कि आज हर व्यक्ति अपने को हिंदू कहते हुए गर्व महसूस कर रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, इन सब लोगों की विशेषता के कारण है। ये सब अवतार पुरुष हैं। हम समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग अवतार पुरुष हैं, इनको भेजा गया ईश्वर की ओर से कि जाओ, जो जो यहाँ कठिनाइयाँ हैं सब दूर करो। देश को तरक्की कर रहा है, और अब इतने सारे पर्व इस महीने में हैं, आपको पता ही, रामनवमी, हनुमान जयंती, फिर ईद है, उसके साथ ही साथ बंगालियों का नवा वर्ष है, महावीर जयंती है, लेकिन एक महापर्व है, वो महापर्व पर्व जो है 5 साल में एक बार आता है, वो है लोकसभा का इलेक्शन। उसको मत भूलिए, महापर्व है। तो उस दिन घर से निकलिएगा, वोट दीजिएगा, देखिए वोट दे के आ रहे हैं, तो और भी तो लोग सुन रहे हैं, ये तो देश भर में जाएगा। तो जो लोग सुन रहे हैं जिनके इलेक्शन नहीं हुआ है, वो जाएं, वोट ज़रूर दें, कि आपका वोट ही सरकार बनाएगा, और कुछ सरकार बनने वाली नहीं है, वो आपके वोट से ही बनेगी। तो ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहा हो। आपको ही चुनना है, आपको ही सोचना है, लेकिन देश की प्रगति रुकने न पाए।